तो जय श्री राम भाई लोग। भाई लोग अभी बागेश्वर वाले बालाजी सरकार के दरबार में एक लड़की आई है जो कि आई है नागपुर से। और दोस्तों उसकी यहाँ पर अर्जी स्वीकार भी हो चुकी है। लेकिन दोस्तों उस लड़की को ये पता नहीं था कि उसकी यहाँ पर सारी पोलें सबके सामने खुलने वाली हैं। तो भाई लोग वो लड़की सामने आई गुरुदेव के, उसके बाद उन्होंने उसकी सारी पोलें गंदी गंदी दोस्तों बातें सबके सामने खोल दी, पूरे के पूरे मंच के सामने, कि तुमने कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन से तुमने गंदे काम यहां पर किए हैं। तो भाई लोग सबसे पहले आप उसका ये वीडियो को देखो, उसके बाद ही आपको यहां पर सब कुछ समझ में आ पाएगा। तो जिनकी आज्ञा है उनको आना ही है। अगला आदेश, जय लाली को भेज दो। ये लाली को, लाली तू आ जा। हाँ, लास्ट में है क्या? लास्ट वाली बहन जी, सविता हो ना, बैग लिए आ जाओ। हाँ, काला बैग लास्ट में जी, आ जाओ। आप नजदीक आइए, माइक लीजिए। कहाँ से हैं आप जी? थोड़ा नजदीक आ जाओ बहन। नागपुर से। बब्बा सीताराम बोलिए, क्या बात है? पहली बार आप दरबार आए हैं? अच्छा, पूछो क्या प्रश्न है? प्रश्न ये, सरकारी नौकरी का योग होना जी चाहिए। ठीक है, मेरी भाभी को लड़का हो जाना चाहिए, दो लड़कियां हैं। बेटी है ना उनको? हाँ, दो जी। लड़कियां। और कोई प्रश्न? उन्नति रुकी हुई है, स्वस्थ रहेंगी आप। जॉब का प्रश्न लेकर आई, आप तो पढ़े लिखे हो ना, यही लिखा ना, जॉब आशीर्वाद, काली हवन करें व भावी को धाम के दर्शन करवा दें, पुत्र योग बन जाएगा आशीर्वाद। अभी वर्तमान में लेकिन आपकी तैयारी कमजोर है, कंपटीशन तेज करो। मन विचलित हो रहा है, उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आप कोशिश मतलब अध्ययन पर बहुत रूप से बहन ध्यान दो। और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ हमने इसमें लिख तो दिया है नीचे, आप भावी को करवाओ। एक मंत्र लिखा वो आपका है, आप चूंकि पंचाक्षरी मंत्र कर रहे हो अभी, पंचाक्षरी जी, पंचाक्षरी मंत्र आप बहुत कर रहे हो, अनवरत कर रहे हो, तो उसकी ऊर्जा तो है। और आपकी अर्जी लगने का कारण भी पंचाक्षरी मंत्र है, क्योंकि अच्छा आपके पीछे जो रहस्य हैं दो हैं। ये पहले आप नीचे वाला मंत्र पढ़ लो, फिर हम पीछे कुछ लिख रहे हैं। गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ने में आ गया? अच्छा, नीचे वाला मंत्र समझ आ गया। बातें हमने लिखी हैं जो माइक से नहीं बोलेंगे बहन, ये आपके पूरे रहस्य। बराबर, तीनों सही, सितारा। और दोस्तों ये वाली वीडियो को आने के बाद गुरुदेव के ऊपर यहाँ पर बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं कि गुरुदेव के सामने ये लड़की आई, उसके बाद गुरुदेव के मन में कुछ ख्याल आए। दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब पर ये वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस चीज़ के बारे में एक पूरी फुल वीडियो को बना दूँ, क्योंकि दोस्तों गुरुदेव किसी भी स्त्री को अपनी बहन बेटी ही मानते हैं और कुछ भी उनको नहीं मानते हैं भाई लोग, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये सब नहीं चलता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी गलत काम करता है उसके साथ प्रभु यहाँ पर बहुत गलत कर देते हैं। तो भाई लोग बस आज की वीडियो में इतना ही था। एक बार आप लोग कमेंट में जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार जरूर लिख देना। तो बोलो एक बार जय श्री राम।